नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2020-21 के लिए जो है फर्स्ट लिस्ट यहाँ पर जो ऑनलाइन काउंसलिंग की जो लिस्ट है वो यहाँ पर जारी कर दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑफिशियल ऑर्डर यहाँ पर निकाला गया है 3743 नंबर लेटर के माध्यम से। यहाँ पे जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण 2020-21 में राजकीय प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश हेतु प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग सूची अपलोड करने संबंध में, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, दिनांक 20 नवंबर 2020 को आयोजित ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया राज्य सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार संपादित की जा चुकी है, जिसमें राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर 15 राजकीय जीएनएम प्रशिक्षण केंद्रों में निर्धारित सीटों पर आरक्षण के अनुसार राज्य स्तरीय मेरिट व ऑनलाइन प्राप्त विकल्पों के आधार पर यह जो काउंसलिंग है वो रिक्त सीटों पर अंक आवंटन यहाँ पर किया जा चुका है। दोस्तों, यहाँ पर मेल और फीमेल के लिए अलग अलग लिस्ट यहाँ पर अलॉट की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पर अलग अलग सेंटर पे कौन से सेंटर में किसको यहाँ पर अलॉटमेंट किया गया है आप स्क्रीन पे आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा ये देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन पे, ये तो है जो मेल कैंडिडेट है उनकी लिस्ट। इसके अलावा एक अन्य जो लिस्ट है वो फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर जारी की हुई है। ये जो लिस्ट है वो ऑनलाइन ऑप्शन, ऑनलाइन चॉइस ऑप्शन और मेरिट के आधार पर यहाँ पर अलॉट की गई है। तो दोस्तों, मेल और फीमेल की अलग अलग लिस्ट यहाँ पर जो साइट पर है अपलोड की गई है जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2020-21 के लिए। इसके अलावा जो प्रमाण पत्रों क्या है, किस प्रकार से यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा, वो सारे यहाँ पर लेटर भी निकाले गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस अपनी स्क्रीन पे, जो फर्स्ट ऑनलाइन काउंसलिंग की जो लिस्ट है वो यहाँ पर अपलोड कर दी गई है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो फर्स्ट ये जो काउंसलिंग की लिस्ट यहाँ पर जारी हुई है जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 2020-21 के लिए, तो दोस्तों मेल और फीमेल की अलग अलग लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है। इसके अलावा जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण सत्र 2020-21 में जो अभ्यर्थी हैं आप देख सकते हैं, जो चयनित अभ्यर्थी हैं अपना आमंत्रण पत्र विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर आवंटित प्रशिक्षण केंद्र पर प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि जो है 28 नवंबर तक आवश्यक रूप से अपनी उपस्थिति मूल दस्तावेजों के साथ प्रशिक्षण केंद्र पर देंगे, अन्यथा इस समय जो आपका जो चयन है वो यहाँ पर निरस्त समझा जाएगा। डॉक्टर गोविंद शर्मा सहित निदेशक प्रशिक्षण प्रशिक्षक मुख्यालय के हस्ताक्षर मौजूद है। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट, जो फर्स्ट जो काउंसलिंग की लिस्ट है यहाँ पर जारी कर दी गई है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।